आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा? हर एक दिन कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ जो आपको काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड करता है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो ये गिरावट हुआ है, 4 जून को गिरावट हुआ, फिर मार्केट रिकवर हुआ, ऐसे गिरावट और रिकवरी में SBI के बेहतरीन म्यूचुअल फंड का क्या हाल रहा, क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में हमें रिकवरी देखने को मिला है, अभी भी क्या ऐसे म्यूचुअल फंड में दबाव है, कितना गिरावट हुआ, कितना हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला, इन सारे आंकड़ों को आपके सामने मैं रखूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कौन कौन से फंड का मैं आंकड़ा रखूँगा वो भी मैं आपको बता दूँ। SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा, मिड कैप कैटेगरी से SBI मैग्नम मिड कैप, यहाँ पे SBI कॉन्ट्रा फंड का आंकड़ा रखूंगा, SBI PSU फंड, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी और SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा। ऐसे फंड में कैसा भूचाल आया और रिकवरी भी हुआ, तो क्या अब मार्केट रिकवर हो चुका है कि नहीं, पूरा इस मामले को हम समझेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो SBI के म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं और कंसर्न इन्वेस्टर का सबसे ज्यादा सेक्टर फंड थीमेटिक्स फंड में। शुरुआत हम स्मॉल कैप फंड से करते हैं। SBI स्मॉल कैप फंड की बात करें तो जो 4 जून को गिरावट हुआ उसमें गिरावट आपके सामने है, 4.5% का गिरावट देखने को मिला। ज़्यादा गिरावट नहीं था स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और गिरावट के बाद जो रिकवरी हुआ आप देख सकते हो, 6.28% का रिकवरी हुआ। अगर हम देखें तो आज के रेट में जिस हाई पॉइंट से गिरावट हुआ था उस हाई पॉइंट से अभी तक का अगर मैं मेजरमेंट लूँ तो करीबन यहाँ पे देख सकते हो 2.06 रुपये प्राइस जंप किया है, NAV का प्राइस जंप किया है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.42% के करीब में है। इट मीन्स कि है जहाँ से गिरावट हुआ था अब मार्केट वहाँ से भी रिकवर कर गया है और एक नया हाई यहाँ पे NAV में देखने को मिला है। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। SBI मैग्नम मिड कैप फंड की बात करें तो गिरावट जो हुआ है 4 जून को उसमें देख सकते हो आप 4.12% के करीब में हुआ है और रिकवरी जो देखने को मिला है 5.63% के करीब में देखने को मिला है। और अगर कंपेयर करें कि क्या जहां से गिरावट हुआ था उस पॉइंट को यहां पे रिकवर किया है नहीं किया है, तो आंकड़े आपके सामने हैं, देख सकते हो जहां से गिरावट हुआ था और अब तक का अगर हम पॉइंट देखें तो यहां पे NAV के प्राइस में जंप होता हुआ देखने को मिला है, यहां पे 1.29% ज़्यादा रिटर्न देता हुआ देखने को मिला है। इट मीन्स कि जितना गिरावट हुआ वो रिकवर भी हो गया और 1.29% उससे ज़्यादा यहाँ पे पैसा भी बन गया। SBI मैग्नम मीट के SBI स्मॉल के फंड का आंकड़ा आपको पता चल गया। अगर मैं SBI कॉन्ट्रा फंड की बात करूँ तो SBI कॉन्ट्रा फंड का जो गिरावट हुआ वो करीबन 6.6% के करीब में। अब अगर रिकवरी की बात करूँ तो रिकवरी में यहाँ पे आंकड़ा जो देखने को मिला 5% का रिकवरी हुआ है। अब अगर अभी देखें तो अभी ये म्यूचुअल फंड जहाँ से गिरा था अभी उसको क्रॉस नहीं किया है। इट मीन्स कि जहाँ से गिरा था उस पॉइंट से और अभी तक का अगर मैं मेजरमेंट देखूँ तो यहाँ पे अभी भी ये म्यूचुअल फंड 2% कम पैसा बना के दिया है, उतना रिकवर नहीं किया है। चलिए अगले म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। अगर मैं PSU फंड की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे SBI PSU फंड का जो NAV में गिरावट हुआ था वो करीबन आप कह सकते हो 14% का गिरावट था। अब रिकवरी की बात करूं तो रिकवरी में जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो 7.47% का यहाँ पे रिकवरी हुआ। और अगर आप देखें कि क्या जहाँ से गिरा था उसको क्रॉस कर चुका है कि नहीं, NAV उससे ऊपर गया है या नहीं है, रिकवरी पूरा हुआ है नहीं है, तो आंकड़े आपके सामने हैं, अभी भी सिर्फ 7% का रिकवरी हुआ है। 7% अभी भी, जी हाँ, उस दिन से गिरा हुआ है NAV के प्राइस का अगर मैं डिफरेंस देखूं, जहां से आप देख सकते हो 3 जून से अगर मैं NAV का प्राइस देखूं और अभी तक, तो करीबन 7% का नेगेटिव रिटर्न है। इससे पता चल रहा है कि इस म्यूचुअल फंड में अभी भी रिकवरी देखने को नहीं मिला है, पूरा रिकवर नहीं हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूं, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड में गिरावट जो हुआ था वो करीबन 8-9% का गिरावट था। रिकवरी की बात करूं तो 4.15% का रिकवरी देखने को मिला है। इस म्यूचुअल फंड में भी अभी भी उतना रिकवरी नहीं हुआ है। अगर मैं देखूं जहां से गिरा था और अब तक का पॉइंट देखूं तो अभी भी करीबन 5% के नीचे NAV ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि यहां भी रिकवरी नहीं हुआ है।
वैसे ही अगर मैं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करूं तो SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में यहां पे जो गिरावट देखने को मिला आप देख सकते हो 6-7% के करीब में। रिकवरी की बात करूं तो यहां 6-7% का रिकवरी भी हुआ। और अगर हम देखें कि क्या जिस पॉइंट से NAV टूटा था उस पॉइंट्स को क्रॉस किया या नहीं किया है तो आंकड़े आपके सामने हैं। मामूली सा परसेंटेज यहाँ पे कम है 0.54% के करीब में। इट मीन्स आप कह सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड ने भी रिकवर किया। तो अगर मैं पूरा आंकड़ा देखूं तो देखो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने रिकवर किया। रिकवरी के बाद NAV यहाँ पे हाई बनता हुआ भी देखने को मिला, 52 वीक हाई भी यहाँ पे NAV का प्राइस देखने को मिला। सेम कंडीशन SBI मैग्नम मिड कैप में भी देखने को मिला। लेकिन अगर मैं SBI कोंटा फंड की बात करूँ तो वहाँ अभी भी रिकवरी नहीं हुआ है और वहाँ पे अभी कुछ परसेंट बाकी है। जी हाँ, काफ़ी स्लो रिकवरी देखने को मिल रहा है। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करूँ यहाँ पे 98-99% हो चुका है। SBI PSU फंड की बात करूँ, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की बात करूँ तो रिकवरी अभी तक नहीं हुआ है। तो एक पॉइंट तो क्लियर है, स्मॉल कैप और मिड कैप में रिकवरी हो चुका है। लेकिन अगर मैं सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स पे यहाँ पे नज़र डालूँ तो अभी भी कई परसेंट का रिकवरी बाकी है। हालांकि कई ऐसे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स हैं जहाँ पे रिकवरी काफ़ी स्पीड से देखने को मिला है। जैसे कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे नज़र डालोगे तो रिकवरी काफ़ी स्पीड से हुआ है। अगर बैंकिंग एंड फिनेंशियल सेक्टर में अगर आप नज़र डालोगे तो रिकवरी काफ़ी तेज़ी से हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर, जी हाँ, डिफेंस सेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे PSU सेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे मेटल पे नज़र डालूँ तो अभी रिकवरी उतने स्पीड से देखने को नहीं मिला है। आपको ये भी समझना पड़ेगा, देखो मैं इन्वेस्टर को बार बार बोलता हूँ, इस स्टोरी से आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक तो आपको कभी भी अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स पे नहीं रखना चाहिए। मैं बार बार इस पॉइंट को आपके सामने रखता हूँ क्योंकि देखो गिरावट तो होगा, ऐसे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड में गिरावट होगा लेकिन रिकवरी में भी समय लगेगा। ऐसा नहीं है जितने स्पीड से गिरा है उतने स्पीड से आपको पैसा भी बना के देगा। एक दिन में अगर मान लो कि 15% टूटा है तो एक ही दिन में 15% का रिटर्न नहीं देगा। ऐसी स्थिति में कई ऐसे सेक्टर और कई ऐसे थीमेटिक्स फंड्स हैं जो रिकवर कर गए और कई ऐसे सेक्टर थीमेटिक्स का अभी भी रिकवरी जो NAV का प्राइस है वो उस पॉइंट से नीचे देखने को मिल रहा है। 3-4% का गैप है। इट मीन्स कि यहाँ पे समय और लग सकता है। इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि आप अगर अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप और स्मॉल कैप का टेस्ट दोगे तो वहाँ पे सेक्टर और थीमेटिक्स फंड से रिस्क कम होगा और वहाँ पे लंबे समय में पैसा ज़्यादा भी बन सकता है। लेकिन हाँ, मैं पहले ही बता दूँ कि अपने रिस्क के फैक्टर को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने स्मॉल कैप और मिड कैप का आपको बोला तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड पे ही डिपेंड रहना है। आप अपने रिस्क को समझें और हर एक कैटेगरी को कुछ अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही जगह। SBI के कुछ म्यूचुअल फंड का आंकड़े आपके सामने रख दिया। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं SBI म्यूचुअल फंड को प्रमोट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में SBI का फंड ही रखें। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें। फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।